गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी कक्षा अध्यापिका निशा शर्मा। आज हम आपकी संचय टोपे शुक्ला पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चे, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है कि जो धर्म जाति का भेदभाव होता है, अमीरी गरीबी ऊंच नीच का भेदभाव होता है, ये तब होता है जब इंसान समझदार बन जाता है, बड़ा बन जाता है। लेकिन जब इंसान बचपन में होता है तो बचपन में हमारे लिए अमीरी गरीबी जाति भेदभाव किसी प्रकार की कोई भी चीज़ कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि बच्चे का जो दिल होता है वो सबके लिए एक समान होता है। उसे सिर्फ बचपन में प्यार और अपनापन चाहिए होता है। जहाँ भी उसे प्यार की भावना मिलती है वो वहीं चला जाता है। तो इस चैप्टर में टोपी शुक्ला के माध्यम से लेखक ने हमें जो चीज़ बताई है वो यही बताई है कि प्यार ही हर धर्मों से बड़ी चीज़ है। इसलिए हमें प्यार को अपनाना चाहिए, ना कि किसी प्रकार के धर्म को। तो आइए पढ़ते हैं। इफ्फन के बारे में कुछ जान लेना इसलिए ज़रूरी है कि इफ्फन टोपी शुक्ला का पहला दोस्त था। इस इफ्फन को टोपी ने सदा इफ्फन कहा। इफ्फन ने इसका बुरा माना, परंतु वह इफ्फन पुकारने पर बोलता रहा। इसी बोलते रहने में उसकी बड़ाई थी। यह नामों का चक्कर भी अजीब होता है। उर्दू और हिंदी एक ही भाषा, हिंदवी के दो नाम हैं, परंतु आप खुद देख लीजिए कि नाम बदल जाने से कैसे कैसे घपले हो रहे हैं। नाम कृष्ण हो तो उसे अवतार कहते हैं और मुहम्मद हो तो पैगंबर। नामों के चक्कर में पड़कर लोग यह भूल गए हैं कि दोनों ही दूध देने वाले जानवर चराया करते थे। दोनों ही पशुपति गोवर्धन और ब्रज कुमार थे। इसलिए तो कहता हूँ कि टोपी के बिना इफ्फन और इफ्फन के बिना टोपी ना केवल यह कि अधूरे हैं बल्कि बेमानी हैं। इसलिए इफ्फन के घर चलना ज़रूरी है। यह देखना ज़रूरी है कि उसकी आत्मा के आंगन में कैसी हवाएं चल रही हैं और परंपराओं के पेड़ पर कैसे फल आ रहे हैं। तो इसमें लेखक हमें कहता है कि टोपी और इफ्फन दोनों क्या है, दोस्त हैं। टोपी के बिना इफ्फन अधूरा है और इफ्फन के बिना टोपी। हालांकि जो टोपी है वो हिंदू फैमिली से है और इफ्फन जो है वो मुस्लिम फैमिली से है। इसी प्रकार जैसे कृष्ण जो है वो हिंदू थे लेकिन मुहम्मद जो है वो पैगंबर थे, लेकिन दोनों ने एक ही काम करा, गईयें चराई, गोवर्धन कहलाए, लेकिन दोनों के धर्म अलग अलग होने के वजह से हमने उनको अलग अलग धर्मों में रखा है। तो इसलिए लेखक ने हमें सबसे पहले इफ्फन के बारे में बताया है कि जो इनके दोनों के बिना जाने के बिना जो ये कहानी है वो अधूरी है। तो आइए आगे पढ़ते हैं। इफ्फन की कहानी भी बहुत लंबी है, परंतु हम लोग टोपी की कहानी कह सुन रहे हैं, इसलिए मैं इफ्फन की पूरी कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि केवल उतनी ही सुनाऊंगा जितनी टोपी की कहानी के लिए ज़रूरी है। मैंने इसे ज़रूरी जाना कि इफ्फन के बारे में आपको कुछ बता दूं, क्योंकि इफ्फन आपको इस कहानी में जगह जगह दिखाई देगा। ना टोपी इफ्फन की परछाई है और ना ही इफ्फन टोपी की। ये दोनों आज़ाद व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों का डेवलपमेंट एक दूसरे से आज़ाद तौर पर हुआ। इन दोनों को दो तरह की घरेलू परंपराएं मिली। इन दोनों के जीवन के बारे में अलग अलग सोचा। फिर भी इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। यह बात महत्वपूर्ण है कि इफ्फन टोपी की कहानी का एक अटूट हिस्सा है। मैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं यह बेवकूफ़ी क्यों करूँ? क्या मैं रोज़ अपने बड़े या छोटे भाई से यह कहता हूँ कि हम दोनों भाई भाई हैं? यदि मैं नहीं कहता तो क्या आप कहते हैं? हिंदू मुसलमान अलग भाई भाई हैं तो कहने की ज़रूरत नहीं। यदि नहीं है तो कहने में क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे कोई चुनाव तो लड़ना नहीं है। मैं तो एक कथाकार हूँ और एक कथा सुना रहा हूँ। मैं टोपी और इफ्फन की बात कर रहा हूँ। इस कहानी के दो चरित्र हैं। एक का नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है और दूसरे का नाम सैयद जरगाम मुर्तजा। एक को टोपी कहा जाता है और दूसरे को इफ्फन। इफ्फन के दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। काफिरों के देश में पैदा हुए, काफिरों के देश में मरे, परंतु वसीयत करके मरे कि लाश करबला ले जाई जाए। उनकी आत्मा से इस देश से एक सांस तक ना ली। उस खानदान में जो पहला हिंदुस्तानी बच्चा पैदा हुआ वह बढ़कर इफ्फन का बाप हुआ। जब इफ्फन के पिता सैयद मुर्तजा हुसैन मरे तो उन्होंने यह वसीयत नहीं की कि उनकी लाश करबला ले जाई जाए। वह एक हिंदुस्तानी कब्रिस्तान में दफन किए गए। इफ्फन की परदादी भी बड़ी नमाजी बीबी थी। करबला, नजव, खुरासान, काजमैन और जाने कहाँ की यात्रा कर आई थी, परंतु जब कोई घर से जाने लगता तो वह दरवाजे पर पानी का एक बड़ा
एक गड़ा जरूर रखवाती और माश का सदका भी जरूर उतरवाती। इफन की दादी भी नवाज रोजे की पाबंद थी, परंतु जब इकलौते बेटे को चेचक निकली तो वह चारपाई के पास एक टांग पर खड़ी हुई और बोली, माता मोरे बच्चे को माफ कर दियो। पूरब की रहने वाली थी, 9 या 10 बरस की थी जब ब्याह कर लखनऊ आई, परंतु जब तक जिंदा रही अरबी बोलती रही। लखनऊ की उर्दू ससुराली थी, वह तो मायके की भाषा को गले लगाए रही, क्योंकि इस भाषा के सिवा इधर उधर कोई ऐसा नहीं था जो उसके दिल की बात समझता। जब बेटे की शादी के दिन आए तो गाने बजाने के लिए उसका दिल फड़का, परंतु मौलवी के घर गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। बेचारी दिल महसूस कर रह गई। हाँ, इफन की छठी पर उन्होंने जी खोलकर जश्न मना लिया। बात यह थी कि इफन अपने दादा के मरने के बाद पैदा हुआ था। मर्दों और औरतों के इस फर्क को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि इस बात को ध्यान में रखे बगैर इफन की आत्मा का नाम नक्शा समझ में नहीं आ सकता। बच्चा, इसमें लेखक ने हमें बताया है कि हम बार बार ये नहीं कहते कि मैं उसका भाई हूँ, उसका भाई हूँ। इसलिए मैं लेखक कहता है कि मैं हिंदू मुसलमानों के फ़र्क के बारे में आपको नहीं बताऊँगा। फिर उन्होंने इफ़न की आगे कहानी शुरू की है कि जो इफ़न की दादी थी वो एक मौलवी से उसकी शादी हुई थी। हालांकि उसका जो मायका था वो ज़मींदारों का घर था। वो बहुत चाहती थी कि मेरी जो शादी है बहुत ऊंचे घराने से हो, मतलब बहुत ठाट फाट से हो, लेकिन मौलवी के घर में ऐसा नहीं हो सकता था। जब उनके बेटे की शादी हुई तो उन्होंने सोचा कि हाँ, मैं अपनी सारी रीझें अपने बेटे पर पूरी करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। लेकिन जब उसके दादा की, इफ़न के दादा की डेथ हो गई, देहांत हो गया, तो जब इफ़न हुआ तो उन्होंने खूब जश्न मनाया था, क्योंकि इफ़न क्या था, लड़का था, और उस समय में लड़के और लड़कियों में बहुत अधिक फर्क किया जाता था। इफ़न की दादी किसी मौलवी की बेटी नहीं थी, परंतु एक जमींदार की बेटी थी। दूध घी खाती हुई आई थी, परंतु लखनऊ आकर वह उस दही के लिए तरस गई जो घी पिलाई हुई काली हौंडियों में असामियों के यहाँ से आया करता था। बस मायके जाती तो लपड़ छपड़ जी भर के खा लेती। लखनऊ आते ही उन्हें फिर मौलवी बन जाना पड़ता। अपने मियाँ से उन्हें यही तो एक शिकायत थी कि वक्त देखे ना मौका, बस मौलवी ही बने रहते हैं। ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। जब मरने लगी तो बेटे ने पूछा कि लाश करबला जाएगी या नजफ, तो बिगड़ गई, बोली, ए बेटा, ज्यों तू से हमारी लाश न संभाली जाए तो हमरे घर बेच दियो। मौत सिर पर थी, इसलिए उन्हें यह याद नहीं रह गया कि अब घर कहाँ है। घर वाले कराची में है या कस्टोडियन का हो चुका है। मरते वक्त किसी को ऐसी छोटी छोटी बातें भला कैसे याद रह सकती हैं। तो बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया कि वो एक जमींदार की बेटी थी जिसके घर में दूध दही की कमी ना थी, लेकिन मौलवी के घर में ऐसा कुछ भी उनको खाने के लिए नहीं मिलता था, जिसके लिए उन्हें अपने शोहर से शिकायत रहती थी कि हर बार मौलवी ही बने रहते हो, कभी पत्नी का पति भी बन जाया करो। और जब उनकी आखिरी समय आया और उनसे पूछा गया कि वो कहाँ अपनी लाश को दफनाना चाहती हैं, तो उन्होंने बड़े बिगड़ कर बोला, गुस्से से बोला कि अगर तुमसे मेरी लाश ना संभले तो मेरे घर वापस मायके भेज दियो। हालांकि उन्हें अंतिम समय में याद भी नहीं था कि उनका घर कहाँ है, वहाँ कराची में है या कस्टोडियन मतलब सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, सरकार वहाँ चला गया है, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं था। उस वक्त तो मनुष्य अपने सबसे ज़्यादा खूबसूरत सपने देखता है, ये कथाकार का ख्याल है, क्योंकि वह अभी तक मरा नहीं है। इफन की दादी को भी अपना घर याद आया। उस घर का नाम कच्ची हवेली था। कच्ची इसलिए कि वह मिट्टी की बनी थी। उन्हें दसहरी आम का वह बीजू पेड़ याद आया जो उन्होंने अपने हाथ से लगाया था और जो इन्हीं की तरह बूढ़ा हो चुका था। ऐसी ही छोटी छोटी और मीठी मीठी बेशुमार चीज़ें याद आई। वह इन चीज़ों को छोड़कर भला करबला या नफ्ज़ कैसे जा सकती थी। तो बच्चा, जो जब वो लास्ट टाइम पे अपने थी तो उनको सिर्फ यही याद था कि मेरा जो घर था वो कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, जिसको हवेली कहते थे, और क्या था, और वहाँ पर एक आम का पेड़ था जो अब दादी की तरह ही बूढ़ा हो गया था।